मॉर्निंग वेलकम, सत श्री अकाल, प्रणाम, वड़कम, जोहार। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, और क्योंकि मैं थोड़ा चिकना लग रहा हूँ तो लाजमी है आप लोग हंस रहे होंगे या फिर मजे ले ही रहे होंगे। मैं बता देता हूँ इसका रीज़न क्या है। क्या है कि मुझे ना पिंपल्स होने लगी थी चेहरे पे, तो ये दाढ़ी वैसे काफ़ी बड़ी थी। मैं सोचा था यहाँ से ये थोड़ी सी बड़ी होती है, तो दाढ़ी तो बड़ी थी और जो पिंपल्स थे वो निकलने की वजह से वो बहुत ख़राबी कर रहे थे। मतलब वो क्या बताऊँ, बड़ा अजीब लग रहा था जो पिंपल्स दाढ़ी के अंदर हों, बेटा काम ख़राब हो जाता है। इसलिए मैंने एकदम से क्रीम में मारा, थोड़ा खत्म कर दिया जैसे। वैसे मैं भी कभी कभी देख कर हंस ही रहा हूँ कि मैं इतना कितना क्यों लग रहा हूँ। हालाँकि मैंने थोड़ी थोड़ी रखी हुई है, बिल्कुल जड़ से तो ख़त्म नहीं की, पर भाई इतने से क्या होता है। खैर, पिछले 3-4 दिन से हम लोग इधर विकास किया के रूम पे हैं, फ्लैट पे, और पिछले 3-4 दिन से हम यहीं पे हैं। और अब आज क्योंकि ए सी है कोर्ट में, तो हम जाएंगे सिंगलम बात ही से मैंने। और रात को गए थे हम बागेश्वर धाम वाले बाबा की तैयारी को देखा आपने, बहुत जोर से तैयारी हुई है, बहुत ज़बरदस्त तैयारी होती है उनकी। खैर, एक और बुरी बात हुई आज कि मैं 1 बजे सोकर उठा, नहाया धोया, खाना खाया। खाना खाने के बाद फिर मुझे ट्रिमर मिला विकास भैया के घर पे ही। ट्रिमर देखा तो मुझसे रहा नहीं गया, मैंने ट्रिमर उठा कर रगड़ लिया। रगड़ने के बाद फिर से मैं गया बाथरूम में, फिर से नहाया। मतलब इतनी ठंड के दिन में मैंने 2 बार नहाया आज, और मेन बात कि मैंने उठकर 2 बजे खाना खाया आज। अभी लगभग 3:30 हो रहे हैं और 2 बजे हमने सुबह का नाश्ता किया। मतलब मैं समझ में नहीं आ रहा हमारा सिस्टम चल क्या रहा है खाने पीने का भाई। कभी ना कोई खाने का टाइम, ना कोई सोने का टाइम, ना कोई नाश्ते का टाइम, ना कोई जाने का टाइम, ना कोई आने का टाइम, ना नहाने का टाइम, ना कोई शेड्यूल ही नहीं है यार, बिल्कुल ही अस्त व्यस्त हो चुकी है। खैर, अभी हम थोड़ी देर में निकलेंगे शिवनंदन भारती से मिलने, तो भारती से देखते हैं क्या होता है। क्या दिन रात को भी मिले थे हमसे, तो उनकी माता जी कुछ ठीक नहीं लगी थी। खैर, दिन तक तो गाइस फाइनली बैक सीट पर बैठ कर आज बहुत लॉन्ग टाइम के बाद इतना कंफर्टेबल फील हो रहा है, और वो इसलिए क्योंकि नेक्सॉन में बैठा ना, इसमें थोड़ी सी जगह दे दी है साइड में बैक सीट पर, ऐसा लगता है कि बेड पर लेटे हुए हैं। और सबसे बड़ी चीज मैं ये दिखा दूं, देखिए सनरूफ का प्रयोग जो है सीधा डाउन ना करें और इसको ऐसे लेके और पंच में बैठे बैठे भाई कसम से मेरी बैक का बॉन जो है वो थोड़ा, हाँ मतलब कभी कभी मुझे एक्सरसाइज अब डेली करना पड़ता है उस वजह से, तो ये चीज़ इसमें नहीं लग रहा है। बड़ा आराम से बड़े मज़ेदार तरीके से बैठा है बंदा। बाकी हम राजधानी एक्सप्रेस के साथ हैं, ट्रेन नहीं है ये, न्यूज़ चैनल है और भैया का है। और अभी हम लोग जा रहे हैं बाबा बागेश्वर धाम की तैयारी है वहाँ पर, शीशा लगा, और यहाँ पे सनरूफ भी है। लास्ट टाइम जब हम दीपक भैया गाड़ी में बैठे थे तो उसमें सनरूफ नहीं था, और इसमें सनरूफ भी है। तो मैं तुझे बाद में सनरूफ भी दिखाने समय पास हो जाता है अगर मन ना लगे, क्योंकि यहाँ पर कोई अपना आदमी होता नहीं है बाहर में, इसमें एक दो अपने व्यक्ति जुड़ जाते हैं जिनसे लगता है कि हम फिर टू फेस बात कर रहे हैं, यही बेनिफिट है लाइव। तो आप लाइव बार बार आ सकते हैं जिनको मन ना लगे। पहले था क्या, फेसबुक खोल के बैठ जाते थे, अब क्या कि इंस्टाग्राम पर एक दो अपने हैं जुड़ जाते हैं तो लगता है कि चलो बात कर। Gravity to the bottom of the sea, making way.
तो यहाँ पे पूरा मेला लग गया है यार। ये सामने इतने सारे टॉयलेट और बाथरूम, किसी तरह की कमी ना हो जाए। और ये पंडाल, गाइज आज का दिन भी फाइनली खत्म हुआ। अगेन हम विकास भैया के फ्लैट में आ गए हैं और अब हमें फ्लैट होना है, क्योंकि अब हम भाई आज बहुत बुरा दिन था, मतलब बहुत ज़्यादा वीडियो कवर करनी थी, मतलब थक गया हमें पूरी तरह से। तो अभी मैं सिर्फ और सिर्फ लेटूंगा और मस्त खा पी कर सो जाना है बस। और मूवी डाउनलोड करी है मैंने शहजादा, तो वो भी देख लूँगा थोड़ा सा अगर जगह रहा तो। खैर टेक केयर, बाय, मिलते हैं कभी।